सो हे गाइज, मोनिस्टर वाई टी हियर। सो गाइज, आज आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस चेंज लग रहा होगा क्योंकि गाइज मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया है गाइज, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा खेल नहीं पा रहा हूँ, जितना भी खेल रहा हूँ सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट क्लिप, अच्छा वाला क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी है गाइज, ठीक है। बरमूडा मैप में कितने जिप लाइन है जल्दी से कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को पूरा देख लेना। और जितने भाई लोग आ रहे हो ना, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना गाइस, ठीक है। तबीयत थोड़ा सा खराब है, कमेंट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सामने एक बंदा है जिसे मैंने 96 का हेडशॉट दे दिया है और बॉडी शॉट थोड़ा बहुत दे दिया। इसका मतलब मेरे को अब यहाँ पे रश करना पड़ेगा, यही सोच के मैं यहाँ पे रश करने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा लिया, बंदे के पास था बीएसएस से थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा। यहाँ पे मैंने बंदे को दे दिया हेडशॉट, इसी बात पे लाइक तो बनता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 किल निकाल दिया था। यहाँ पे जल्दी जल्दी गुलवाल इतना सारा था इस बंदे के पास, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे गुलवाल मिल चुका था, लगभग 27 गुलवाल हो चुका था गाइस, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ रहा था मेरे को ड्रोन में एक और बंदा दिखाई देता है गाइस, ठीक है। और जैसे मैं थोड़ा निकलता हूँ और बंदा इधर ही होता है, ठीक है, छुप के बैठा होता है। और बंदे के पास यहाँ पे हेलमेट नहीं था गाइस, ठीक है, हेलमेट नहीं था, इसी वजह से बंदे को एक ही हेडशॉट में मर गया। 236 का हेडशॉट लगा, AK-47 का काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है, आप लोग ही पता होगा गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जोन आ रहा था और मेरे को पता था कोई ना कोई बंदा आएगा, जैसे कि मेरा शक सही निकला, एक बंदा आ रहा था और उसे मैंने एक डैमेज दे दिया है 17 का। और मैं यहाँ पे वेट करना चालू कर दिया, जोन तो आने वाला था, और जैसे आया तभी मैंने बंदे को ख़त्म कर दिया यहाँ पे काफ़ी आसानी से। उसके बाद क्या था, यहाँ पे जोन पे मेरे को जाना था और मेरे को होल्ड करना था थोड़ा बहुत, मैंने आगे जाके होल्ड करना चालू कर दिया। अब बंदे बचे थे 3 बंदे, और 3 भी नहीं गए, अब 2 बंदे, 1v1 सिचुएशन था। अब मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मैं मार दूंगा बोल के मैं फुल कॉन्फिडेंस नहीं था गाइस, ठीक है। और मैं आराम से यहाँ पे गुलवाल इतने सारे थे ना गाइस, गुलवाल लगा लगा के मैं आगे बढ़ रहा था, ठीक है। और मैं गुलवाल लगा लगा के आगे बढ़ रहा था और बंदा था ग्रीन क्रिमिनल, ठीक है, ग्रीन क्रिमिनल, सस्ता क्रिमिनल। तो मैं यहाँ पे आया और उसके बाद देख सकते हो क्या ही मज़ेदार हेडशॉट मार दिया गाइस, ठीक है। और इस मैच को मैंने काफ़ी आसानी से बुआ कर दिया, जिससे कि आप लोगों को देख रहे होंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कितना प्लस मिला, +26, जो कि बहुत ही अच्छी बात है गाइस, ठीक है। और इस मैच को मैंने बुआ करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मैच एक और खेला गाइस, ठीक है, और एक और मैच खेला, और इस मैच में 18 बंदे अलाइव थे और मेरा 0 किल था। और मेरे को मारने लगता है एक बंदा पीछे से, अभी मेरा 0 किल है ना, अभी मैं इतने सारे किल करने वाला हूँ ना, आप लोग पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसको लग चुका है थोड़ा बहुत डैमेज, और उसके बाद रश करना मैंने चालू कर दिया। और जैसे मैंने यहाँ पे चालू कर दिया इस बंदे को मारने के लिए, मैं थोड़ा सा निकलने का ट्राई किया और ऊपर से एक और बंदा मार रहा था गाइस, ठीक है। और उस बंदे से बचने के लिए थोड़ा मैं पीछे आ गया और इस बंदे को मैंने हेडशॉट दे दिया, और दूसरा बंदा ने यहाँ पे मेरे को 150 से भी ज़्यादा डैमेज दे दिया। क्या ही बोलो भाई, बंदे के पास क्या था पता नहीं, AWM या फिर ME2 भी होगा गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जोन आने का मैंने थोड़ा वेट किया, और यहाँ पे जैसे कि मेरा सक्सेस निकला, बंदा आ रहा था, बंदे के हेडशॉट लग चुका है और बंदा एक दो गोली का था, मार दिया आसानी से। यहाँ पे एक और बंदा था गाइस, ठीक है, यही बंदा नहीं, एक और बंदा था, और इसे भी मैंने थोड़ा डैमेज दिया। और बंदा यहाँ पे मेडिकेट कर रहा था और मैंने स्कोपिंग करके आराम से मार दिया, बंदे को लगा कि वो बंदा छुप के मेडिकेट कर रहा है, पर ऐसा नहीं था, मैंने मार दिया उसका आसानी से। उसके बाद क्या था गाइस, 10 बंदे अलाइव थे, मेरे को सिर्फ होल्ड करना था। अब होल्ड करने के लिए मेरे को यहाँ पे जोन के आगे भी जाना था, उससे पहले यहाँ पे मेरे को मिल चुका था बेस्ट अपग्रेडर गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेस्ट अपग्रेड करने का सोचा, काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं कि गाइस लेवल 5 का बेस्ट अच्छा नहीं होता, पर मैं तो कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसी वक्त मेरे को एक और बंदा मारने का यहाँ पे ट्राई करता है, और मैं यहाँ पे इसी बंदे को मारने के लिए थोड़ा निकलता हूँ, और बंदा कवर में होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा निकल के बंदे को हेडशॉट दे देता हूँ, और बंदे को थोड़ा बहुत बॉडी लग के मर जाता है। और उसके बाद क्या था गाइस, मैं यहाँ पे लूट करने के लिए आ गया और थोड़ा बहुत लूटा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जोन पे जाना था, और मैं जैसे जोन पे गया यहाँ पे एक और बंदा फाइट चल रहा था गाइस, ठीक है, 2 बंदे के बीच में। तो मेरे को क्या पता भाई, यहाँ पे थर्ड पार्टी करने में मज़ा जो होता है ना, अलग ही लेवल का होता है। मैंने पीछे से छुपके से मार दिया हेडशॉट, और उसके बाद ऊपर भी मैंने बॉडी शॉट मार के OP भाई को यहाँ पे मार दिया मैंने। और उसके बाद 4 बंदे बचे थे और जोन भी मेरे पास था, मेरे को जस्ट वेट करना था। और यहाँ पे बंदे ने ड्रोन लगा दिया गाइस, ठीक है, और बंदे को अब थोड़ा बहुत लोकेशन पता होगा, उस ऊपर से आ रहा है बंदा। और मैंने इसे मारने का इतना ज़्यादा ट्राई किया ना गाइज, पर इसको कनेक्ट ही नहीं हो रहा था गाइज, रिकॉइल कर गया गाइज, ठीक है, AK-47 रिकॉइल कर गया। फिर क्या था, मैंने इसे फिर से मारने का ट्राई किया,
और बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज लगा और बंदा सामने आ रहा था, ठीक है। और मेरे पास गुलवाल काफ़ी सारे थे गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुलवाल नहीं था, मैं रश कर सकता था पर मैंने रश नहीं किया क्योंकि पीछे भी बंदे थे और उस देख रहे हो ना बड़ा सा पत्थर, उसके पीछे भी एक और बंदा था गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैं होल्ड कर रहा था और मेरे पास था ग्रेनेड और बंदा मेरे पास पास आ रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने का सोचा और मैंने ग्रेनेड फेंका और बंदे को लगा ही नहीं क्योंकि बंदे ने तभी लगा लिया कोरोनो कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भागने का सोचा, बंदा ग्रेनेड फेंक रहा था ग्रेनेड पे ग्रेनेड और मैंने सोचा कि उस बंदे को थोड़ा ललचाता हूँ और इसी चक्कर में बंदा ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया और मैंने मार दिया बंदे को हेडशॉट ओपी वाला। उसके बाद क्या था, मेरे को पता था नीचे कोई ना कोई बंदा हो गया होगा, मैं नीचे जाना चालू कर दिया और मेरे को लगा कि बंदा है। मैंने यहाँ पे हुकंग यूज़ किया बंदे को मारने के लिए और क्या था गाइज, मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे जाने का ट्राई किया पर बंदा को पता चल चुका था कि मैं आ चुका हूँ। उसके बाद क्या था गाइज, मेरे पास दो ग्रेनेड था, दोनों ग्रेनेड मैंने फेंकने का ट्राई किया, ठीक है। और क्या था गाइज, दोनों ग्रेनेड फेंका, लगा ही नहीं भाई, वो बंदा पीछे चला गया। उसके बाद क्या था गाइज, 3 बंदे अलाइव थे, मेरे पास लैंडमाइन था, मैंने यहाँ पे लैंडमाइन लगा लिया। अब इसका मतलब ये था कि वो बंदा मेरे पीछे से नहीं आने वाला था क्योंकि उसको भी थोड़ा बहुत साउंड आया होगा और टाड़ा और इसको लग चुका है 99 का हेडशॉट गाइज, ठीक है। और बंदे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया, मेरे को रश करना चाहिए था पर गाइज एक बंदा लेफ्ट साइड में भी था गाइज, ठीक है। तो मैं इसलिए रिक्स नहीं लेने वाला था और लास्ट जोन तक लगने वाला था गाइज, ठीक है। और मैं बंदे बचे थे 3 बंदे, 7 किल तो हो चुका था, अब जस्ट मेरे को बुया चाहिए था। यही सोच के मैं आराम से खेल रहा था और गाइज यहाँ पे लास्ट जोन सर्कल भी हो चुका है, ठीक है। अब सर्कल ही नहीं है भाई, अब लास्ट पॉइंट होने वाला है, अब देखते गाइज कौन किसको मारता है गाइज, ठीक है। और बंदा यहाँ पे मेरे को बम फेंक रहा था, मैंने सोचा कि एक गुलवाल सामने लगा लेता हूँ और बंदा यहाँ पे मैंने सही किया कि सामने गुलवाल लगा के बंदा ने वहाँ पे ग्रेनेड वेस्ट कर दिया अपना, ठीक है। उसके बाद क्या था, मैं सोच रहा था कि इन दोनों का फाइट हुए और मैं मज़े लूँगा पीछे से, पर गाइज यहाँ पे क्या अलग ही सीन था, यहाँ पे जोन आने वाला था, मेरे को भी यहाँ पे रश करना था, ठीक है। और बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया और गुलवाल लगा लिया और थोड़ा अटक गया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने गुलवाल लगा लिया और सामने बढ़ना चालू कर दिया। उसके बाद क्या था, इस बंदे को मारने के लिए मैं आ गया और बंदा ने यहाँ पे ग्रेनेड से मार दिया उस बंदे को, ठीक है। और उसके बाद क्या था गाइज, मेरे पास थोड़ा हिल नहीं था और मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे बंदे के पास कोरोनो कैरेक्टर भी था, ठीक है। और मैं जैसे ही वो कर गुलवाल लगाने के लिए उफड़ता हूँ तो गाइज बंदे ने उफड़ते उफड़ते मार दिया भाई, क्या है। थोड़ा बहुत बंदे के पास एडवांटेज था और इसलिए मार दिया, कोई ना यहाँ पे प्लस हो चुका है +46 गाइज, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और मैच खेला और सामने बंदा दिखता है और बंदा यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा था, सामने एक और बंदा था गाइज, ठीक है, बीमा शक्ति के उधर, वो बंदा उधर वाले बंदे को देख रहा था गाइज, ठीक है। तो मैंने पीछे से छुपके से मार दिया। उसके बाद क्या था, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड किया, उसके बाद एक और बंदा आ गया मेरे को मारने के लिए और यहाँ पे क्या था, सर्कल मेरे पास ही था, बंदा यहाँ पे आ रहा था, बंदे को यहाँ पे दे दिया हेडशॉट। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा बहुत लूट किया और जैसे ही लूट गया मैं आगे बढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे आगे बढ़ता एक और बंदा और इसे मैं आराम से यहाँ पे फिनिश कर दिया था। उसके बाद क्या था गाइज, 3 बंदे अलाइव थे, भूया करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली थी। क्या था गाइज, यहाँ पे मैंने सब कुछ लूटा गाइज, इतना अच्छा लूट था ना इस बंदे के पास, क्या ही बोलूँ। और लूट करने के बाद क्या था गाइज, बंदे बजे थे सिर्फ एक बंदा, अब तो गाइज भूया लगभग कन्फर्म लग रहा था गाइज, ठीक है। और उसके बाद क्या था, मैं आगे बढ़ना चालू कर दिया और बंदा कहाँ पे था पता नहीं चल रहा था। और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ बंदा दिखता है मेरे को और मैं इसे वन टैप मारने वाला हूँ, ठीक है। कब मैं वन टैप मार पाऊँगा देखते गाइस, ठीक है। दो बार ट्राई किया अभी भी नहीं लगा और उसके बाद जोन आने वाला यहाँ पे मेरे को पता है। और बंदा यहाँ पे क्या कर रहा था, अपने लैंडमाइन में फूट गए गाइस वो बंदा, देख रहे हो। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, ठीक है, वन टैप मारने के लिए पर नहीं लग रहा था मेरे को गाइस। किसी भी हाल में इस बंदे को वन टैप मारने का आएगा, ठीक है, मारने का करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, मार के ही रहूँगा दम, ठीक है। उसके बाद क्या था गाइज, मैंने यहाँ पे आगे बढ़ना चालू कर दिया और मेरे पास हुकंग था, देख सकते हो। फिर से मारा 43 का बॉडी शॉट लगा, बंदा भाग रहा था, पता नहीं क्यों भाग रहा था, जोन इधर ही था फिर भी नीचे भाग रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था बंदा, कुछ नहीं पता गाइज, ठीक है मेरे को। और मैंने थोड़ा बहुत बॉडी शॉट दिया और उसके बाद गुलवा लगा लिया और इसी के साथ लग चुका है वन टैप हेडशॉट। इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज अपने भाई को ऐसे सपोर्ट दिखाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही लेना गाइज, ठीक है। तो आप लोग को गेम प्ले कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना मेरे को, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे इस मैच के बाद, आप लोग को लास्ट जोन फाइट चाहिए कि या फिर स्टार्टिंग फाइट चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय। Let's go, pirates! Let's go, pirates!